दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और अगर आपने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह फिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो कई लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक करेक्शन से रिलेटेड वीडियो बना दी है, लेकिन उस वीडियो को लोग पूरा नहीं देखते, बीच में कमेंट सेक्शन में कमेंट करने लगते हैं कि भैया क्या इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ इस वाली वीडियो में भी जानकारी दे दूँ, साथ में आपको यही बता दूंगा अगर आप इसमें पोस्ट प्रेफरेंस खुद ही सेलेक्ट कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से सेलेक्ट करना है, तो पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के टाइम पे आपको ये कैसे पता चलेगा भैया आपकी कैटेगरी में इस वाले पोस्ट ऑफिस में इतनी वैकेंसी है और आप कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस किस क्रम में सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब सर्च वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो यहाँ पर करेक्शन की डेट आने वाली है उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस में भी करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। अगर आपने अभी कोई मिस्टेक कर दी है तो आप इंतजार कर लीजिए, जब इसके फॉर्म खत्म हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरी करेक्शन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए दोस्तों मैं इस वीडियो के आखिरी में करेक्शन वाली वीडियो की लिंक लगा दूंगा, लेकिन इस वीडियो को छोड़ के जाने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करनी थी और वैकेंसी किस पोस्ट ऑफिस में कितनी है उसकी जानकारी आपको कैसे लगती है। सबसे पहले दोस्तों जब आप इस वाले पेज पर आएंगे जहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने अप्लाइंग सर्कल मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया था शुरुआत में ही, तो यहाँ पर जो मुझे डिवीजन भी देखने के लिए मिलने वाली है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की ही दिखने वाली है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कई लोग हो सकता है कमेंट सेक्शन में ये भी बोले कि क्या भैया ऐसा जरूरी है कि हम अपने नजदीकी डिवीजन को ही सेलेक्ट करें, या फिर ये कैसे पता चलेगा कि भैया किस डिवीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने नजदीकी डिवीजन को ही सेलेक्ट करें, लेकिन हाँ ज्वाइनिंग अगर आपको मिलती है तो आपको उसी डिवीजन में जाना पड़ेगा चाहे कौन सा भी पोस्ट ऑफिस आपको मिले। किस डिवीजन में आपकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको एक एक करके सभी डिवीजन पर क्लिक करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं बालाघाट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 10 पोस्ट ऑफिस तो भैया यहीं पर दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग पेज भी दे रखे हैं, 10 पेज यहाँ पर है, मतलब 100 वैकेंसी तो यही हो गई। इसके बाद और आगे कितने क्या पेज है इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, टोटल 14 पेज यहाँ पर दे रखे हैं। यानी कि दोस्तों आप बालाघाट में टोटल 140 पोस्टों पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है भैया बालाघाट में तो मैंने देख लिया इतनी क्या वैकेंसी है, इसके अलावा भोपाल में कितनी क्या वैकेंसी, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। भोपाल में टोटल 2 ही पेज है, यहाँ पर इसके आगे कोई पेज नहीं है, मतलब टोटल 20 वैकेंसी के आसपास होंगी, 20 से भी क्या पता कम ही हो। वो आपको आखिरी पेज पर ही आगे पता चलेगा भैया टोटल यहाँ पर 17 वैकेंसी है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी डिवीजन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं भोपाल के अलावा छतरपुर सेलेक्ट करके देख लेता हूँ, यहाँ पर टोटल 5 पेज है, लास्ट पेज पर आगे पता चलेगा भैया इसमें टोटल 44 ही वैकेंसी है, मतलब 50 से भी कम है। तो इसी तरीके से आपको देख लेना है, अगर आप ज्यादा वैकेंसी वाली डिवीजन ढूंढ रहे हैं आप एक एक करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर वैकेंसी दिख कर आ रही है तो ये मत समझना कि भैया इस वाले पोस्ट ऑफिस में हो सकता है 2-3 वैकेंसी हो, हर पोस्ट ऑफिस के यहाँ पर नाम डले हुए हैं और हर पोस्ट ऑफिस के सामने आपको वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर जो भी वैकेंसी है वो एक ही एक वैकेंसी है, मतलब कि अगर मैं बताऊं अजगारा जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है और 12,000 पेमेंट वाली वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर 10,000 पेमेंट वाली वैकेंसी है, मतलब टोटल 2 ही तरीके की वैकेंसी है, किसी में 10,000 मिलेंगे आपको, किसी में 12,000 मिलेंगे। तो वो आपको देख लेना भैया आपको 10,000 वाली पोस्टें सेलेक्ट करनी है या फिर 12,000 वाली पोस्टें सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एससी कैटेगरी कैंडिडेट है तो एससी कैटेगरी की वैकेंसी तो यहाँ पर आएंगी, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर जनरल की भी वैकेंसी आएंगी क्योंकि एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि जनरल कैंडिडेट की तरफ से भी फाइट कर सकते हैं और एससी कैटेगरी की तरफ से वो फाइट तो करेंगे। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, आपने एसटी कैटेगरी सेलेक्ट की है तो भी आपको यहाँ पर जनरल की वैकेंसी दिखाई जाएंगी, लेकिन एससी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी वगैरह नहीं दिखाई जाएंगी। यानी कि आप किसी में भी आते हैं, आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ओबीसी की कैटेगरी की पोस्टें दिखाई देंगी, साथ में जनरल कैटेगरी भी दिखाई जाएंगी। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस के साथ साथ जनरल कैटेगरी भी पोस्टें दिखाई जाएंगी, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस वगैरह में नहीं आते हैं, आपने सिर्फ जनरल कैटेगरी आगे सेलेक्ट की थी तो आपके सामने सिर्फ जनरल कैटेगरी की पोस्टें ही दिखाई जाएंगी। जैसे कि फॉर्म में मैंने स्टार्टिंग में जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की थी तो यहां पर सिर्फ जनरल कैटेगरी की पोस्टें ही दिखाई जा रही हैं। तो भले ही आप एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, आप अपनी कैटेगरी के अलावा यहां पर जनरल कैटेगरी से भी फाइट कर सकते हैं, यानी कि आपको जनरल कैटेगरी की पोस्टें वगैरह सेलेक्ट करनी है, छोड़ नहीं देना है उनको। नहीं आप ये सोचें भैया मैं तो जनरल में आता नहीं हूं, मैं इन वाली पोस्टों को छोड़ देता हूं, फालतू की ये है, इसमें मुझे जगह तो मिलने वाली ही नहीं है, लेकिन आप यहां पर दोस्तों अपनी कैटेगरी के अलावा जनरल से भी फाइट कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी अगर आप यहां पर पोस्टें सेलेक्ट कर देते हैं। तो आपको देख लेना भैया अगर आपको 12,000 वाली सबसे पहले स्टार्टिंग में रखनी है तो आप पोस्ट प्रेफरेंस उसी हिसाब से सेलेक्ट करिए। जैसे मैंने मान लीजिए 12,000 वाली ये वाली पोस्ट है, इसको मैं पहले नंबर पर रखना चाहता हूं तो 1 कर देता हूं, इसको दूसरे नंबर पर रखना चाहता हूं तो 2 कर देता हूं, और इसके अलावा 12,000 वाली ये वाली पोस्ट है इसको मैं तीसरे नंबर पर रखना चाहता हूं इसको 3 कर देता हूं, इसको
चौथे नंबर पे रखना चाहता हूँ तो 4 कर देता हूँ। इसके अलावा अगले पेज पर भी आपको एक एक करके देख लेना है। जब आपकी 12,000 वाली सभी पोस्ट लग जाए उसके बाद आपको आगे की जो नंबर है उसकी काउंटिंग एक एक करके 10,000 वाली भी लगा लेनी। मतलब आपको जितनी भी आपकी डिवीजन में पोस्ट है वो सभी सेलेक्ट कर लेनी। ये मत सोचना कि भैया ये वाली पोस्ट है मुझे मेरे काम की नहीं है इनको मैं छोड़ देता हूँ, तो ज्यादातर चांसेस यही है कि मुझे यही वाली पोस्टें मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपके जो यहाँ पर 10th क्लास की परसेंटेज मेरिट बनेगी वहां पर अगर आपके नंबर कम पाए जाते हैं लेकिन आपके इतने नंबर थे कि आपको 10,000 वाली किसी पोस्ट ऑफिस में जगह मिल रही थी तो आपको वो भी नहीं मिलेगी अगर आपने 10,000 वाली पोस्टों को सेलेक्ट नहीं किया है तो आपको दोनों तरीके की पोस्टों को सेलेक्ट कर लेना है। भले ही आपको 12,000 वाली नहीं मिल रही तो आपको 10,000 वाली मिल जाएगी अगर आपकी परसेंटेज वगैरह सही थी, लेकिन इतनी सही नहीं थी कि 12,000 वाली आपको मिल जाए। तो कोशिश ये करना है दोस्तों जो भी आपने डिवीजन सेलेक्ट की है उसमें जितनी भी पोस्टें हैं 10,000 वाली 12,000 वाली सभी पे आप टिक लगा लीजिए। भले ही पहले आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सुन लीजिए उसके बाद जो बची हुई दूसरी कैटेगरी में आ रही है यानी जनरल में आ रही है उनको भी लगा लीजिए। और जब एक बार सभी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट हो जाए सभी पेजों पर उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी डिवीजन वापस से सेलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ पर दूसरी डिवीजन सेलेक्ट होकर आ रही है तो आपको इसको चेंज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर टिक लगाकर सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो भैया इस तरीके से आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करनी थी। अगर आपको लगता है कि भैया आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह चेंज करनी है और अपने फॉर्म में करेक्शन करना है तो करेक्शन के लिए मैंने आपको बताई दिया पोस्ट प्रेफरेंस में भी आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। और करेक्शन की प्रोसेस के लिए दोस्तों आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने डिटेल में सभी चीजें कवर कर रखी हैं करेक्शन से रिलेटेड। और अगर आपको ये वाली वीडियो और जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।